गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले वीडियो में एलिहर और गिडोन के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहैलाइड, ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहैलाइड तो क्या है? ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहैलाइड, और इसको हम कह सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहैलाइड, या जिसे कहें हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन सो करता है, कौन सो नहीं करता है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो जो मेथिल ग्रुप है इसके द्वारा कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे बात करें हम मेथिल डाइमेथिल कीटोन एस्टेल्फिहाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करके हैलोफॉर्म बनाते हैं, तथा करेस्पॉन्डिंग एसिड बनाते हैं जिनमें कार्बन की संख्या, क्या होती है? एक कम होती है। तो ध्यान दें कि हैलोफॉर्म रिएक्शन या सोडियम हाइपोहैलाइड रिएक्शन क्या है, कि ऐसे हमारे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ मिथिल ग्रुप हो। अगर ऐसा हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है जिनमें एक मिथिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो हमारा सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करके हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और वो जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है वो हमारा करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज होगा उसमें जो है कार्बन की संख्या क्या है, एक कार्बन की संख्या कम होगी कंपेयर टू जो भी हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया हुआ। तो बात करें हम अगर कि सोडियम हाइपोहैलाइड रिएक्शन क्या है, कि सोडियम हाइपोहैलाइड है क्या, कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। सोडियम हाइपोहैलाइड क्या है? सोडियम हाइपोहैलाइड क्या होगा? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हम क्या कहें Cl2 Br2 I2 ये हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये हमारा सोडियम हाइपोहैलाइड है। हाइपोहैलाइड क्या होता है, कि सोडियम हाइपोहैलाइड क्या है, कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइपोहैलाइड बन जाएगा, जिसे कहते हैं NaOBr या NaOI या NaOCl, तो उसके द्वारा हमारा ये बनेगा। तो सोडियम हाइपोहैलाइड अगर पर्टिकुलर रिएक्शन कराएं तो सोडियम हाइपोहैलाइड के लिए हम क्या कहेंगे, तो क्या है NaOX, ये हमारा सोडियम हाइपोहैलाइड है। NaOX की बात करें यही हमारा क्या है, सोडियम हाइपोहैलाइड, लेकिन वो बने किससे, कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली। तो बात करें कि हम क्या है, कि किसके साथ रिएक्शन, ये जो सोडियम हाइपोहैलाइड रिएक्शन है किसको शो करता है, या हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन हमारे एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। तो उसके लिए अभी बताया गया कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें एक मिथिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए।
वही हमारे एल्डिहाइड या एकीटोन हमारे ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, हैलोफार्म रिएक्शन। तो बात करें हम ले लें एस्टेल्डिहाइड, ले एस्टेल्डिहाइड हमने लिया प्लस हम रिएक्शन कराएं आई टू के साथ, प्रेजेंस आपका है डाइल्यूट NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन हमने कराया, तो होगा क्या देखें यहां पर होना क्या है, Ci3CHO प्लस क्या निकलेगा 3HI, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी वो हमारे रिप्लेस हो गए किसके द्वारा आयोडीन के द्वारा। हम यहाँ पर आयोडीन की जगह क्लोराइड या क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या था एस्टेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब जो हमने रिएक्शन कराया Ci3CHO का किसके साथ NaOH के साथ, यहां पर हम ये दिखाया नहीं, अब हमने NaOH के साथ रिएक्शन दिखाया, तो रिएक्शन में होगा क्या CHI3 प्लस HCOONA बनेगा, ये क्या है हाइड्रोफॉर्म और कैसा होगा LOPPT प्राप्त होगा। तो LOPPT किसका बन गया हमारा हाइड्रोफॉर्म का बन गया। तो हम इसी प्रकार से हम किसी भी एल्डिहाइड की हम चर्चा कर सकते हैं कि ये देखें यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, इसको हम ओपन करके अगर रखें तो इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। तो हमारा ऐसा हमारा एल्डिहाइड जिसमें हमारा एक मेथिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा सबसे पहले हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और जो हाइड्रोजन है उनका रिप्लेस होगा और रिप्लेस होने के बाद वो हमारा NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा और हमारा हैलोफॉर्म जिसे कहते हैं हाइड्रोफॉर्म का निर्माण होगा। उसी प्रकार से अगर हमारे सिमिलरली हम कीटोन की बात करें तो कीटोन हम ले लें CH3COCH3 और हम इसकी रिएक्शन कराएं आयोडीन के साथ, तो होगा क्या ये हमारा क्या बनेगा Ci3COCH3 प्लस 3HI। अब ये जो हमारा Ci3CO और ये CH3 है इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो H है वो कैसा है यहाँ पर ये जुड़ेगा इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ये इसी में यहाँ पे हुआ था ये इस तरह से यहाँ से ये जुड़ा था ये पार्ट निकलेगा तो क्या बन गया CHI3 प्लस क्या बना CH3COONA, ये क्या बन गया हाइड्रोफॉर्म। तो इस तरह से हम ये हमारा क्या था एसीटोन, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन वही शो करते हैं जिनमें हमारा ये जिन एल्डिहाइड और कीटोन में हमारा एक कम से कम एक मेथिल ग्रुप हमारा कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है तो वो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। तो हम इसी को अगर हम कंप्लीटली अगर लिखें एक लाइन में लिखा जाए तो क्या कर सकते हैं कि हम ले लें इसको अगर एल्डिहाइड लें, एल्डिहाइड हम किस तरह से लेंगे CH3CHO और हमने उसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइपोहैलाइड NaOI कह सकते हैं, NaOI हमने कोई भी यूज कर लिया तो हमारा क्या बन गया ये बन क्या जाएगा ये
क्या बना, बना सी एच आई थ्री प्लस एच सी ओ ओ एन ए, ये बन गया हाइड्रो कॉम्प। आयोडो फॉर्म बन गया। तो इस एक हम लाइन से भी देख सकते हैं इसकी, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए इस तरह से हमें याद रखना होगा, ये सोडियम हाइपोहैलाइड की रिएक्शन डायरेक्ट दिखाई गई है, तो क्या बन गया सी एच आई थ्री और प्लस एस सी ओ ओ एन ए, वो एक स्टेप में है लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है, इसको आप इस तरह से याद करें। लेकिन यहाँ पर नोट करके ध्यान दें, नोट करके क्या ध्यान देना है कि द हैलोफॉर्म्स रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश मेथिल कीटोन फ्रॉम कीटोन, मतलब इस जो हैलोफॉर्म रिएक्शन का उपयोग हम डिस्टिंग्विश करने में, चेक करने में कर सकते हैं इसको कि हमारा कौन सा मेथिल कीटोन है और कौन सा अदर कीटोन है, तो अदर कीटोन को मेथिल कीटोन से डिस्टिंग्विश करने में इसका उपयोग कर सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन का, क्योंकि वही हमारा कीटोन हमारा शो करेगा जिस ये हैलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें क्या होगा मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब मेथिल कीटोन ही ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो होगा। कहते हैं और इट आल्सो बी नोटेड दैट द ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये हमारा जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा जो अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब क्या है डबल बॉन्ड को वो इफेक्टेड नहीं करता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करता और उनको हमारा ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड या कीटोन को जिनमें हमारा कम से कम एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट। तो रिएक्शन को हम अगर देखें इस तरह से CH डबल बॉन्ड सी CH3CO और ये CH3, इस तरह से हमने रिएक्शन कराया और हमने उसका सोडियम हाइपोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और मिथिल कीटोन भी है, तो हमारा होगा क्या क्या है कि CH3CH डबल बॉन्ड सी CH3COONA प्लस CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और हमारा डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा। एक और पॉइंट में ध्यान रखना है नोट पॉइंट में कि सर्टेन एल्कोहल्स दैट मींस एथिल एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, मतलब एथिल एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड मेथिल कीटोन्स, एल्डिहाइड कौन सा एस्टेल्डी है, तो नोट पॉइंट इसको भी ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट में कि सर्टेन एल्कोहल्स दैट मींस क्या है एथिल एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू एस्टेल्डिहाइड एंड मेथिल कीटोन्स अंडर सर्टेन कंडीशंस यूज फॉर टेस्ट आल्सो गिव आर्डोफॉर्म टेस्ट। तो सर्टेन एल्कोहल्स मतलब कौन सा एथिल एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल्स जिनका ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो दे देते हैं वो हमारे क्या करते हैं आर्डोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ध्यान दें नोट पॉइंट में, तो एथिल एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल विच गिव्स एक्सटेंडरी हाइट एंड मेथिल कीटोन गिव आल्सो गिव्स
आल्सो गिव आईडो फॉर्म फॉर्म टेस्ट। ये ध्यान रखेंगे कि जो एथिल अल्कोहल है जिसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कहते हैं इनका ऑक्सीडेशन करने से क्या बन सकता है हमारा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड देगा और कौन सा एल्डिहाइड देगा एस्टिल्डिहाइड देगा। तो मतलब क्या है कि हम बात करें कि हम ये एथिल अल्कोहल अगर लें एथिल अल्कोहल लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कोहल चेंज इंटू एल्डिहाइड तो क्या होगा ये एस्टिल्डिहाइड देगा। अगर हम ये सेकेंडरी अल्कोहल ले लें इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने में क्या बनता है वो कीटोन बनता है। तो ये हमारा एस्टिल्डिहाइड बन गया, ये हमारा मेथिल कीटोन बन गया। अब मेथिल कीटोन देते हैं इसलिए क्या है ये एथिल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल क्या करते हैं ये हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी। तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है।